सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो ट्रिपल सी एडवांस लेवल कोर्स बिल्कुल हिंदी में आपके लिए। यहाँ पे हमारी तरफ से ये जो एडवांस कोर्स यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया जा चुका है, और ये कोर्स जो है करीब करीब काफ़ी लंबा चलेगा, जितना लंबा ये खींच जाएगा, लेकिन टॉपिक जो होंगे बहुत ही डेप्थ में आपके कवर होंगे। ऐसा एनालिसिस मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, कहीं पर ना तो आपको पढ़ाया गया होगा और बहुत ही नामुमकिन चीज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ आपके साथ देखी है कि यहाँ पर यूनिक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सबसे चीज़ अच्छी ये है कि यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एक परीक्षा को लेकर के नहीं, हालांकि ये परीक्षा ये जो वीडियो है वो कंटिन्यू आएंगे एक ट्रिपल सी एग्जाम को क्रैश करने के लिए, लेकिन जो उसमें एग्जाम है ना उसमें जो एक एक टॉपिक है वो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह पर बहुत ही मतलब बेसिक बताया जाता है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उस टॉपिक को बहुत ही डीप में कवर किया है, बहुत ही मैं बता रहा हूँ विश्लेषण किया है। और साथ ही ये जो टॉपिक होगा इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको कंटेंट मैं बता देता हूँ, इस जो आने वाली वीडियो होंगी उसका कंटेंट क्या होगा। तो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए जो मेन जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आपके हैं ट्रिपल सी एग्जाम को क्रैश करवाने के लिए कोर्स लॉन्च किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए हुआ ये जो है वीडियो आएंगे इसी श्रृंखला में, सीरीज में, ठीक है। और साथ ही इसमें जो आपके अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कंप्यूटर के बारे में, उसके भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी यदि आप सिर्फ ये मेरे वीडियोस जो आगे आने वाले देखोगे, बहुत डिटेल डीप में नॉलेज है, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर यहाँ पे होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड चैप्टर होगा वर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ चैप्टर होगा स्प्रेडशीट, फिफ्थ चैप्टर होगा लिब्रे ऑफिस, फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WWW एंड वेब एड्रेस, सेवेंथ नंबर का चैप्टर होगा ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, आठवां जो चैप्टर होगा वो दोस्तों होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, नवा जो यहाँ पे चैप्टर हमने रखा है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये नौ चैप्टर तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के हो गए, जो कि आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन जो आपकी बुक में होगा ये उससे बहुत ही मतलब चार कदम आगे ये बुक है, ठीक है ना। ये बुक हमने खुद से अपनी तरफ से प्रिंटेड की है, ठीक है। आप पीछे इसका लोगो भी देख रहे होंगे, इनोवेट इंडिया लगा होगा। तो चैप्टर हमने जो इसमें टेंथ रखा है वो मैंने अपनी तरफ से रखा है, ये देखिए पूरी तरीके से ये इसका नाम ही मैंने बुक का रखा है एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो एडवांस फिर बातें भी होंगी, है ना, कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एडवांस हमने नाम इसका रख दिया है। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और चैप्टर में देखिए ये सारे चैप्टर जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ये सारा जो डेटा है, ये जितनी भी प्रिंटेड नोट्स हैं, ये करीब करीब 1500 पेजेस प्लस हैं। तो ये दोस्तों जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसके लिए आपके पास यदि आप इन जो नोट्स हैं, चूँकि बहुत भारी भरकम नोट हैं, काफ़ी लंबे हैं, यदि आप इन्हें लिखना नहीं चाहते हो, ठीक है ना, यदि आप वीडियो देख कर लिखोगे तो कोई बात नहीं, आप आराम से नोट कर सकते हो। यदि आप नहीं चाहते हो कि नहीं हमें लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स को खरीद सकते हो, ठीक है, इस ई बुक को खरीद सकते हो जो हमने डिजिटल ई बुक अपनी बनाई है। सिर्फ आपको 99 रुपये यहाँ पे करने हैं, ठीक है ना। ट्रिपल सी एडवांस कोर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे एडवांस लगा हुआ है, और आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे क्रैक हो जाएंगे बहुत ही डीप में। 1.5 महीने के करीब मेहनत लगी है तब जाकर के बुक रेडी हो पाई है। इसमें देखिए इस बुक को यूनिक क्यों कहा गया है, इस पर सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें जो टॉपिक हैं बहुत ही डेप्थ में समझाए गए हैं, एक एक टॉपिक आपको बहुत ही डेप्थ में जानने को मिलेगा, आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा खुद ऑटोमेटिक। दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान रखी गई है कि चैप्टर वाइज आपको MCQ मिल जाएंगे, जो आपको हर चैप्टर में MCQ मिल जाएंगे, जो भी MCQ आते होंगे उनको आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक ना। वो सारी जो कैसे करना है वो सारी चीज़ें बुक में दी गई हैं, ई बुक में, ठीक है। और तीसरी जो इस बुक को यूनिक बनाती है चीज़ वो है कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको इस ई बुक के। ये जो ई बुक है ये 1500 पेज प्लस है, तो इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हर ई बुक, मतलब पूरी ई बुक वीडियो लेक्चर बेस है, ठीक है। यदि नहीं समझ आ रहा तो वीडियो लेक्चर देखो, 1500 पेज प्लस हैं। देखिए आपको इस ई बुक को खरीदने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा आपका, देखिए चूंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इस ई बुक जो है इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये जो मैं कॉस्ट, ये 99 रुपये आपको जो कॉस्ट रखी गई है, कॉस्ट रखी गई है मेरी मेहनत की, और उसी की जो कॉस्ट है आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उस पर लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी दे देनी है, यहाँ पे अपना नाम दे देना है, यहाँ पे अपनी एज उम्र बता देनी है, उसके बाद एक जीमेल आईडी आपको दे देनी है, जिस जीमेल आईडी पर आपको ई बुक ये भेज दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। आप अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। वैसे आप जब यह फॉर्म फिल कर दोगे ऑटोमेटिक आपके 24 घंटे के अंदर आपकी दी गई जीमेल आईडी पर ये ई बुक 1500 पेजेस प्लस की डिलीवर कर दी जाएगी। साथ ही इस ई बुक की खास बात यह है कि ये
इसके बाद इसका कोई भी एडिशन, कोई भी यदि इसमें अपडेट होगी तो ऑटोमेटिक आपके पास ईमेल के माध्यम से आ जाएगी, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एडिशन जो इसके होंगे, कोई भी चेंज होगी वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाया करेगी ईमेल के माध्यम से। बस आपको एक बार इसको सब्सक्राइब करना है, एक बार इसको परचेज करना है। सिर्फ 99 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 99 रुपये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरी मेहनत की कॉस्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको आप मतलब ये सिर्फ मेरी मेहनत की कॉस्ट है, ठीक है, और इस ई बुक की कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि बुक्स की कोई कॉस्ट नहीं होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसे मेरी मेहनत की कॉस्ट है। तो चलिए यहाँ पे इस ई बुक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा अच्छा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चूंकि आज ये पहला चैप्टर था इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन कराना जरूरी समझा। आज के बाद आपको ये सारी बकवास देखने को नहीं मिलेगी, बहुत शॉर्ट में हुआ करेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो हमारा पहला चैप्टर है उसको समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर, एक तरीके से कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर मैं आपको सिंपल सा कहता हूँ, आपने कई सारी परिभाषाएं देखी होंगी। सबसे पहले मोटी मोटी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कंप्यूटर दरअसल होता क्या है। कंप्यूटर आप कहोगे जो इनपुट लेता हो और आउटपुट दे देता हो उसको कंप्यूटर कहेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल गलत परिभाषा है, ठीक है, ये गलत प्रूव की जा सकती है बहुत आसानी से। लेकिन मैं आपको एक मोटी मोटी यदि बात बताऊँ तो ये जो परिभाषा है कि इनपुट ले लो और आउटपुट जो दे दे वो कंप्यूटर है, आपने ये हर जगह पढ़ा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये परिभाषा दरअसल ठीक सही नहीं बैठती है। यदि आपको मोटा मोटा पकड़ना ही है तो आप ये ना कहकर ये कहो कि जो डिवाइस कैलकुलेशन करती हो उसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई जगह फिट नहीं बैठेगी जो आपकी ये परिभाषा है कि इनपुट लेती हो आउटपुट दे देती हो। चलिए अब यहाँ पे हम ये तो मैंने मोटी मोटी बात से स्टार्ट कर दी बात अपनी, तो कंप्यूटर तो आप जानते होंगे, ठीक है, किस तरह का होता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अपनी थ्योरेटिकल बात शुरू करते हैं। ये सारे नोट्स, ये जो ई बुक है उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ई बुक आप यहाँ से खरीदोगे यहीं पे सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे बताया गया है कि जो कंप्यूटर है वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि जिसमें प्रोग्राम हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दैट टेक्स डेटा, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो डेटा को लेता है, अभी देखिए ध्यान देना यहाँ पे कि जो डेटा को लेता है और परफॉर्म करता है उस डेटा पे कुछ टास्क परफॉर्म करता है, वो टास्क किस तरह के होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो टास्क वो इंस्ट्रक्ट करता है, जो परफॉर्म करता है वो होते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक ना, यानी कि अंकगणितीय एंड तार्किक संक्रियाएं हैं हिंदी में कहा जाए तो, ठीक है, हालांकि मैं जानता नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए सबसे पहले तो डेटा लेता है आपसे, डेटा लेता है इनपुट के तौर पर, उसके बाद ये इंस्ट्रक्ट करता है, क्या करता है, उस डेटा पर कुछ ऑपरेशन चलाता है, जो ऑपरेशन होते हैं दो तरह के, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, और जो है फिर आपको इंस्ट्रक्ट करके उस पर ऑपरेशन चला करके आपको एक नियत आउटपुट प्रदान कर देता है। वट एवर इज गिवन टू द कंप्यूटर इज इनपुट इज कॉल्ड डेटा। यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि जो भी आप इनपुट के तौर पर इसमें देते हो उसको हम यहाँ पे डेटा कहते हैं, ठीक है, इनपुट को हम डेटा कहते हैं। वाइल द आउटपुट रिसीव्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए बताया गया जबकि जब आप देते हो, ठीक है, इनपुट तो उसको हम डेटा कहते हैं, जब आप आउटपुट रिसीव करते हो तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना। तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन का दरअसल कई बार एग्जाम में देखिए एग्जाम के तौर पर पूरी तरीके से आपको कुछ भी इससे नहीं छूटेगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी इस बुक में, इसलिए कहा गया एडवांस है ना। तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन का दरअसल कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए कि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो डेटा इंपॉर्टेंट हो और अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि समझने योग्य हो। द सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखिए प्रोसेस जो डेटा होता है यानी कि प्रोसेस डेटा के सेट को, सेट क्या होता है, सेट एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि समुच्चय होता है, समुच्चय का बोलें तो आप ऐसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको, तो हाँ तो भाई देखिए डेटा रुक जाओ, तो डेटा इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल हो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए कि इंफॉर्मेशन और हम किसको कहते हैं, तो सेट ऑफ प्रोसेस यानी कि प्रोसेस डेटा का समुच्चय, समुच्चय को आप ऐसे समझ लीजिए सेट, जैसे मान लीजिए कोई मतलब कोई जानवर है तो कुत्ता बिल्ली बैल ये सब क्या है, ये सेट है, किसके सेट है, एनिमल्स के, एनिमल्स के सेट है। उसी तरीके से समझ लीजिए कि एक प्रोसेस जो डेटा है उसका उसी के सेट को हम
इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये दरअसल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि सेट ऑफ प्रोसेस डेटा क्या कहा जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। द डेटा, देखिए ये को एमसीक्यू भी कई बार आ चुका है, ठीक है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे में आया था, ठीक है, लेकिन वो ट्रिपल सी की एग्जाम नहीं था। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ बीच में बुक में, कि इस हमारी बुक में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये सब एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी गई है, एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डेटा किसको कहते हैं, देखिए और समझिए। डेटा कहा जाता है, डेटा जो दोस्तों है वो रिफर किया जाता है किसको, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये दरअसल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डेटा किसको रिफर किया जाता है, तो रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मेरे ही एग्जाम में फंसा हुआ था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो था बीकॉम का, ठीक है। तो उसमें दरअसल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसमें ये क्वेश्चन फंसा था कि डेटा किसको रिफर किया जाता है, तो रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा को रिफर किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन और डेटा, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा एक्यूमुलेट्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्स इज नोन एज डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे देखिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं। डेटा वेयर हाउस हम उसे कहते हैं जहाँ पर ह्यूज कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ह्यूज कलेक्शन रखा जाता हो, और जहाँ पे डेटा एक्यूमुलेट्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे सोर्स से डेटा को एक्यूमुलेट करके रखा जाता हो, उसको हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये सब की एक एक लाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और ये मेरे ही एग्जाम में आए थे, ठीक है, आपको मैं बता दूँ। तो डेटा प्रोसेसिंग, आप देखिए आगे यहाँ पे पढ़िए, डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द एडिटिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, यानी कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट निकला, उसके बीच में होता है डेटा प्रोसेस, और डेटा प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। डेटा प्रोसेसिंग में आता है एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब होता है उस डेटा में कुछ मतलब मैनिपुलेशन करना, कुछ चेंज करना, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, टैबुलेटिंग, इंफॉर्मेशन, ठीक है, बस इतना ही आता है, ठीक ना, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेटिंग, ठीक है ना। तो टैबुलेटिंग आपने सुना होगा सेट बिल्डर मेथड में, तो उसमें आता है। तो इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे यही फिर देखिए बताया गया कि डेटा प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट, यानी कि जो होता है डेटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि डेटा प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। वही बताया गया कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन कंप्यूटर इज डेटा बेस, देखिए ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल को हम कहते हैं डेटाबेस, जहाँ पे इंटरलेटेड फाइल का जो बहुत बड़ा कलेक्शन हो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ये भी देखिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो इस ई बुक को मैं अगेन कह देता हूँ, इस ई बुक को यदि आपको बाय करना है, यदि आपको लिखना नहीं है, ठीक है, यदि आपको दुनिया का नहीं करना, क्योंकि 1500 पेज प्लस हैं, तो सिर्फ आपको 99 रुपये में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे आप जा करके यहाँ पे सिंपल से स्टेप से आप बाय कर सकते हो इस ई बुक को, और आपकी ईमेल आईडी पर विद इन 24 घंटे के अंदर आपको डिलीवर मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताई गई है कि देखिए इनपुट के तौर पर, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिख जाएं। तो यहाँ पे देखिए समझिए, ये देखिए इनपुट के तौर पर जो है, इनपुट के तौर पर यहाँ पे देखिए डेटा गया, ठीक है, और आउटपुट के रूप में ये इन्फॉर्मेशन निकल आई, बीच में जो काम हुआ उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ कहाँ पे होता है, स्टोरेज में होता है, समझ गए आप, ठीक है। चलिए फिर वैसे ही कर लेते हैं अपना नॉर्मल, तो हाँ अब नॉर्मल। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एडवांटेज क्या, यानी कि लाभ क्या होते हैं एक कंप्यूटर के। तो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज हैं कंप्यूटर के, जिसके हम जल्दी लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म गिवन टास्क एट इनक्रेडिबल स्पीड, कंप्यूटर जो है वो बहुत ही तेज गति से, अविश्वसनीय स्पीड से काम कर सकता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म द टास्क, द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स एंड विद सेम एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो है एक ही टास्क को आप बार बार बिना किसी गलती के कर सकता है, एक ही टास्क को, ठीक है। तीसरा चीज देख लेते हैं, कंप्यूटर अलाउ डूइंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियस एज दे आर बेस्ट सुटेड फॉर मल्टीटास्किंग। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक कंप्यूटर जो है वो साइमल्टेनियस, यानी कि एक ही समय पर बार बार मल्टीटास्किंग कर सकता है, यानी कि कहीं आप कुछ कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब एक ही कंप्यूटर में 75 काम कर सकता है।
चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं, कंप्यूटर कीप द स्टोर डेटा सिक्योर। कंप्यूटर जो है डेटा को सिक्योर स्टेट सिक्योर जो है स्टोर करता है और इन एक्सेसिबल फ्रॉम ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड यूजर्स, और सिक्योर करने के बाद डेटा को किसी बिना अनाधिकृत यूजर को एक्सेस नहीं करने देता है, यानी कि आपका कंप्यूटर आप एक्सेस कर सकते हो, ये नहीं सबको पकड़ा दिया। फिर बात कर लेते हैं लास्ट एडवांटेज की, कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म रूटीन टास्क विद ऑटोमेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कंप्यूटर जो है परफॉर्म जो है टास्क को, रूटीन टास्क को, यानी कि जो आपके अक्सर परफॉर्म होने वाले टास्क हैं उनको ऑटोमेटिक वो कर सकता है यदि आपने एक बार ऑटोमेटिक सेट कर दिया। मेकिंग ह्यूमंस अवेलेबल फॉर मोर इंटेलिजेंट, यानी कि इसमें जो है आपके जो रोज डेली के रोजमर्रा के टास्क हैं यदि आप उनको एक बार सेट कर देते हो तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको इसकी रोज डेली जरूरत पड़ती है, तो ऑटोमेटिक अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करता है जिसको हम AI आगे चलकर पढ़ेंगे इसी बुक में। ठीक है, सब कुछ है इस बुक में। तो इंटेलिजेंट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, वो AI का पार्ट है, मे भी यहाँ पे नहीं समझेंगे, यानी कि ऑटोमेटिक समझ जाता है आपके रोजमर्रा के काम, वो डेटा दरअसल कैप्चर करता रहता है आपका। चलिए अब डिसवांटेज भी यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि हम यहाँ पे फायदे देख आए हैं तो इसका कुछ नुकसान भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कभी भी एक साइड को देख करके यदि डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन हमें अंततः एक समय बाद बदलना पड़ेगा। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, यहाँ पे देखिए इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि नुकसान, यानी कि हानि, यानी कि डिसएडवांटेज, यानी कि लॉस, यानी कि डिप्रिसिएशन। चलिए खैर मैंने आपका कोई ग्रामर नहीं चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता, यानी कि उसको चलाने के लिए आप चाहिए ही चाहिए। दे नीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन टू कंप्लीट टास्क, उनको मतलब आदमी से मतलब मानव से लोगों से ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन चाहिए, इनपुट चाहिए, तभी वो परफॉर्म करेंगे, वरना अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मोर ओवर कंप्यूटर फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि कंप्यूटर जो है उसमें आपने एक बार जो चीज़ सेव कर दी फिर वो ब्लाइंडली अंधाधुंध फॉलो करेगा, फिर उसका परिणाम चाहे कुछ भी निकले। ठीक है ना, यदि आपने एक बार मान लीजिए एटम बम्ब है वो तो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, हालांकि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बॉम्ब कई तरीके के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर पॉइजन, खैर उसकी मैं बात नहीं करता हुआ यहाँ पे बात कर देता हूँ कि कंप्यूटर में मान लीजिए आपने कोई भी इनपुट दिया तो वो आउटपुट यदि उसका जो भी होगा वो निकाल के ही रहेगा। ठीक है, उसको खुद को समझ नहीं है, इससे नुकसान होगा सामने वाले पर्सन को, फायदा होगा या नुकसान होगा जो भी होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप फेसबुक में देख सकते हो, फेसबुक में मान लीजिए कोई बच्चा जो है 18 साल के नीचे यदि कोई एल्गोरिथम में कुछ गड़बड़ सेट कर दिया तो पता चला उसको कोई हार्मफुल वीडियो, कोई कंटेंट जो गलत है उसको नहीं दिखना चाहिए वो दिखा दे, कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि आप सामने वाला कौन है, वो आउटकम जो है एल्गोरिथम के हिसाब से जो उसमें सेव किया गया उसी के दर पर चलता है, वही से आप रन करता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आप डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर का, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये का कंप्यूटर जो है उसको एक पावर सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि लाइट के बिना वो नहीं चल सकता, इलेक्ट्रिसिटी के बिना। विदाउट पावर सप्लाई दे आर जस्ट यूजलेस, विदाउट पावर सप्लाई वो कुछ भी नहीं है, बेकार। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज सेवरल हेल्थ इशूज, यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कंप्यूटर पे ज़्यादा समय बाद मतलब यू आप कंटिन्यूसली लॉन्ग पीरियड तक टाइम यदि आप व्यतीत करेंगे तो यहाँ पे आपका जो हेल्थ इश्यू है वो खराब हो सकता है, जैसे आप मोटे हो सकते हो, ठीक है, बैठे 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 और ठीक है, और आपकी सेहत भी बेकार हो सकती है, आंखें भी खराब हो सकती हैं यदि आप सही से कॉशन का फॉलो नहीं करेंगे और लगातार पढ़ते मतलब लगे रहेंगे। वेस्टेज ऑफ कंप्यूटर एंड दियर पार्ट्स लीव ए निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर होते हैं उनके जो भी पार्ट्स होते हैं वो एक निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करते हैं एनवायरनमेंट पर, यानी कि उनके जो वेस्टेज यानी कि जो उसमें कचरा निकलता है वो एक एनवायरनमेंट पे जो है बहुत निगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर आर टेकिंग ह्यूमन जॉब्स इन मेनी सेक्टर्स, दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्क एंड थस इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर लास्ट में देखिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जो जॉब हैं लोगों की वो कम होती जाएंगी और कंप्यूटर उनकी जगह ले लेंगे, उनको मानव को अपनी उनको जगह रिप्लेस कर देंगे और इससे क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले तो ये समझा कंप्यूटर क्या है, उसके बहुत ही हमने डीप से क्वेश्चंस हमने देखे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस बेस्ड ये सारा कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ जो भी कंटेंट यहाँ पे है सब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है ना, और फिर हमने उसके फायदे और नुकसान भी समझे। ठीक है, और ये यहाँ पे एक हर चैप्टर में आपको एक ऐसा QR कोड मिल जाएगा, इस QR कोड को मैंने ब्लर कर दिया ताकि आप इसका यूज ना कर पाएं। इस QR कोड को जैसे आप स्कैन करोगे आप एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आप उसका इस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो बहुत ही आसानी से।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ही जल्दी इसके सारी ये जो पूरी बुक है ये सारी बहुत जल्दी कवर की जाएगी आने वाले दिनों में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हो सके तो इस ई बुक को भी आप परचेज कर लें। ठीक है, ये जो ई बुक है उसकी कास्ट जो है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 99 रुपये जो कास्ट है वो मेरी मेहनत बनाने की है।